आज की मेरी रेसिपी है मूंग दाल इडली। इसके लिए हम एक कटोरी मूंग बोकर को पानी में 4-5 घंटे के लिए धोकर भिगो दें। फिर इसे छानकर मिक्सी में जितना ज़रूरत है उतना पानी डालकर पीस लें। अब इसमें एक कटोरी सूजी, एक कटोरी दही और ज़रूरत अनुसार पानी मिलाकर थोड़ी देर रेस्ट करने रख दें। थोड़ी देर में सूजी अच्छे से फूल जाएगी। जब तक आप इडली स्टैंड में तेल लगाकर रख लें। अब घोल में थोड़े उबले मटर, शिमला मिर्च, कटा हुआ धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डाल लें। चाहे तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक मिलाएं और घोल को अच्छे से मिला लें। जब इडली बनानी हो आप इसमें एक पाउच इनो डालें और उस पर पानी डालकर उसको एक्टिवेट करें। घोल को चेक कर इडली स्टैंड में डालें और इडली मेकर में रखकर स्टीम कर लें। चाकू से चेक करें, पक गई होगी तो वह नहीं चिपकेगी। इडली आपकी तैयार है।